सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आ गया हूं एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास है ओप्पो A15s जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये स्मार्टफोन तो अच्छा है या नहीं अच्छा है, आप लोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ में मैं ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ कैसे मैं इसको फ्री में जीता हूँ। एक अमेज़न का कॉन्टेस्ट चल रहा था उसमें मैं ये फ्री में जीता हूँ, तो उस कॉन्टेस्ट में मैं कैसे पार्टिसिपेट किया, कैसे मैं जीता और उसका क्या ट्रिक है, इस सब के बारे में भी बात करूँगा। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आप लोग को इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग, रिव्यू, गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट और ट्रिक के बारे में जानना है कैसे मैं इसको फ्री में जीता हूँ, इस वीडियो का अंत तक जो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। चलो 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 चालू करते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग अमेजोन बॉक्स के अंदर ये स्मार्टफोन तो आ गया है। इसको हम लोग जल्दी से कट करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओप्पो A15s का बॉक्स तो आ गया है। ऊपर में आप लोग कुछ इस टाइप का ब्रांडिंग दे दिया गया है, कुछ इस टाइप का आप लोग ऊपर से लुक है और देख सकते हैं बॉक्स तो काफ़ी थिक है क्योंकि इसमें आप लोगों को डेफिनेटली पावर एडेप्टर भी मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं बिल है जिसमें आप लोग अमाउंट जीरो लिखा गया है। क्यों जीरो लिखा गया है, कैसे मुझे फ्री में मिला है, इसके बारे में भी मैं बात भी करूँगा। तो जल्दी से हम लोग इसको कट करते हैं। और ये हम लोग पास जो है ये है 4GB 64GB वाला वेरियंट। यहाँ पर आप लोग सारा फीचर्स मिल गया है जो कि आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बॉक्स को खोल दिया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स आया है। इसके अंदर आप लोग को सिम इजेक्टर टूल मिल गया है और कुछ पेपर वर्क है और एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस दे दिया गया है। ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस को लगा के भी देखेंगे कैसा फिट आ रहा है। हम लोग इसको रखते हैं साइड में। ये देखते हैं हम लोग स्मार्टफोन आ गया है, इसको भी रखते हैं फिलहाल साइड में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अडेप्टर आ गया है। अडेप्टर आप लोग को स्टैंडर्ड 10W का अडेप्टर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5V 2A लिखा गया है और ये आप लोग को माइक्रो यूएसबी केबल मिल जा रहा है। तो हम लोग का देखते हैं ये स्मार्टफोन तो आ गया जो कि आप लोग को रेनबो सिल्वर कलर है। लाइट जब पड़ता है इसके ऊपर तो रेनबो टाइप का इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसका नाम है रेनबो सिल्वर कलर। यहाँ पे आप लोग नीचे में ओप्पो का ब्रांडिंग दे दिया गया है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग लुक वाइज देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। ओप्पो का यहाँ पे ब्रांडिंग है, आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जा रहा है और आप लोगों को 3 कैमरा का सेटअप है और एक LED फ्लैश है। स्मार्टफोन को हम लोग जल्दी से ऑन करते हैं। जब तक ऑन हो जाता तो हम लोग पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेंगे। सामने में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जा रहा है और ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 3 कैमरा और एक LED फ्लैश मिल जा रहा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेटअप तो। और इस साइड में आप लोग एक पावर बटन मिल जा रहा है और वॉल्यूम रॉकर मिल जा रहा है। ऊपर में आप लोग कुछ भी नहीं है और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं सेम ट्रे मिल जा रहा है। नीचे में मिल जा रहा है आप लोग को 3.5mm का जैक, माइक मिल जा रहा है, माइक्रो यूएसबी पॉइंट मिल जा रहा है और स्पीकर मिल जा रहा है यहाँ पे। और इस टाइप का आप लोग को सारा लुक एंड पोर्ट्स एंड बटन्स दे दिया गया है। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं और हम लोग फोन को आप लोगों के सामने लाते हैं। इसमें आप लोगों को कलर OS 7.2 का मिल रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 10 का मिल जा रहा है। यदि आप लोग इसको डे टू डे लाइफ में फ़ोन को यूज़ करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से स्वाइप टचेस सबको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी ऐप वगैरह में जा सकते हैं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओप्पो A15s का वेट 176 ग्राम है और इसका जो सिम स्लॉट है उसमें आप लोग 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो इस मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा देख सकते हैं ऊंचा है, हल्का सा ऊंचा है, तो आप लोग टेबल पर रखते हैं तो आप लोग स्केचेस पड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करना है, आपका जो बैक कवर है उसको यूज़ करना है। तो बैक कवर को जैसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सा अच्छी तरीके से फिट आ गया है, लेकिन नीचे की तरफ में आप लोग देख सकते हैं हल्का लूज है, तो ये आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप लोग डेफिनेटली बाहर से कोई आदि परचेस करना है या मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छा बैक कवर परचेस कर सकते हैं क्योंकि हल्का सा नीचे की तरफ से लूज है। इसमें जो डिस्प्ले है वो है 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले, यानी कि 720p का डिस्प्ले है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहेगा। आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का आप लोग पिक्चर क्वालिटी मिलने वाला है और साउंड भी आप लोग को ठीक ठाक मिल जा रहा है। तो वीडियो एंड साउंड के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप लोगों को ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाने वाला है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक कैसे काम कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये खुल जा रहा है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट खोल दे रहा है। और सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी
काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इस दोनों मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब मैं इसका बैटरी के बारे में बात करूं तो इसमें आप लोग 4230 mAh का बैटरी मिल जा रहा है, 10 वाट का स्टैंडर्ड चार्जर मिल रहा है विथ माइक्रो यूएसबी केबल, तो आप लोग को चार्ज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग को स्टैंडर्ड 10 वाट का चार्जर मिल रहा है विथ माइक्रो यूएसबी केबल मिल रहा है, तो आप लोग चार्ज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जा रहा है, 13 मेगापिक्सल मेन, 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल फॉर माइक्रो, और यहाँ पे आप लोगों को एक LED फ्लैश मिल जा रहा है, और आप लोग सामने में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जा रहा है। अब मैं इसका कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग 1x, 2x एंड 5x जूम कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में आप लोग फोटो निकाल सकते हैं, और आप लोग को टाइम लैप्स एंड स्लो मोशन भी मिल जा रहा है। मैं स्लो मोशन ट्राई किया हूँ, उतना ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा है, और आप लोग माइक्रो शॉट भी मिल जा रहा है और नाइट मोड भी मिल जा रहा है। ये देख सकते हैं मेन कैमरा से हम लोग को क्लिक किया हुआ पिक्चर है 1x जूम में, 2x जूम में एंड 5x जूम में, और ये आप लोग देखते हैं मेन कैमरा से क्लिक किया हुआ पिक्चर है नॉर्मल मोड में, और ये देखते हैं बोके इफेक्ट के साथ, यानी कि आप लोग को बैकग्राउंड ब्लर के साथ मेन कैमरा से क्लिक किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का ब्लर कर रहे हैं। और ये देखते हैं माइक्रो शॉट लिया गया है, कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सैंपल आप जो कि आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग ठीक ठाक कैमरा मिल जा रहा है। कहीं कहीं आप लोग को जो बोके इफेक्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज आप लोगों को ठीक ठाक कैमरा मिल जा रहा है। और ये देखते सेल्फी कैमरा से क्लिक किया हुआ पिक्चर है, और ब्यूटी इफेक्ट के साथ आप लोगों को गोरा बना देगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और बोके इफेक्ट के साथ मैं क्लिक किया हूँ, जितना मैं ज़्यादा गोरा नहीं हूँ उससे ज़्यादा गोरा बना दे रहा है, तो आप लोग को थोड़ा इसमें आप लोग ब्यूटी इफेक्ट वगैरह भी दिया गया है। चलिए अब हम लोग इस पे गेम खेलने वाले हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले हैं, फ्री फायर खेलने वाले हैं, और एसफॉल्ट 9 खेलने वाले हैं। हालांकि इसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर मिल रहा है, ये थोड़ा एवरेज टाइप का प्रोसेसर है, इसमें आप लोग ज़्यादा गेमिंग नहीं कर पाइएगा, डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है लेकिन आप लोग ज़्यादा गेमिंग नहीं कर पाइएगा। मैं आप लोगों के सामने गेम खेल के दिखाने वाला हूँ, और फ़ोन कितना हीट हो रहा है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ़ोन का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 87-88 डिग्री तक टेम्परेचर है फ़ोन का। अब हम लोग गेम खेलते हैं, पहले हम लोग खेलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली कॉल ऑफ ड्यूटी चल जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको लो सेटिंग में खेल पाइएगा। तो मैं लो सेटिंग में डाल के कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ी देर खेला और मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लो सेटिंग में आप लोग खेल सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाइएगा। अब मैं फ्री फायर पर आ गया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्री फायर भी खेल सकते हैं लो सेटिंग में, आप लोग आराम से चल जाएगा। और आप लोग थोड़ा बहुत गेम खेलना चाहते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर खेल सकते हैं। मैं एसफॉल्ट पे भी आ गया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसफॉल्ट भी मैं खेल रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप लोग एसफॉल्ट गेम भी खेल सकते हैं। अब मैं तीनों गेम खेल चुका हूँ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर इसका 100 से ज़्यादा हो गया है, 105-106 डिग्री तक आप लोग हैं, यानी कि आप लोग देख सकते हैं मैं 2-3 बार ही गेम खेला और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया। स्टार्टिंग में 87 था गेम खेलने से पहले, अभी 105-106 तक चला गया है, तो आप लोग ज़्यादा देर इस पर गेम नहीं खेल पाइएगा क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। थोड़ा बहुत आधा एक घंटा खेलना चाहते हैं गेम तो आप लोग इंस्टॉल करके लो सेटिंग में खेल सकते हैं। तो इस फ़ोन के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, यदि आप लोग इस फ़ोन को देखिएगा और इसका फीचर सबको देखिएगा, उसके बाद आप लोग यदि ऑनलाइन में जाते हैं और डिफरेंट फोन सब का फीचर सब देखते हैं और फोन सब को देखते हैं, तो आप लोग को दिखेगा कि इसी प्राइस सेगमेंट में बहुत सारा अच्छा अच्छा फ़ोन मिल रहा है। जैसे आप लोग को मिल रहा है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 9, और आप लोग रियलमी की तरफ से रियलमी 7i, और माइक्रोमैक्स की तरफ से भी एक कमाल का फ़ोन है जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1, जो कि सिमिलर दाम में आप लोग को अच्छा फीचर्स दे रहा है। तो डेफिनेटली यदि आप लोग ऑनलाइन में परचेस करते हैं तो ये फ़ोन उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को इसी प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा अच्छा फ़ोन मिल जा रहा है रेडमी रियलमी या माइक्रोमैक्स की तरफ से, तो आप लोग डिफरेंटली उस सबको परचेस कर सकते हैं। ये फ़ोन किस लोगों के लिए, ये फ़ोन उस लोगों के लिए जो लोग बेसिक काम करना चाहते हैं फ़ोन के साथ और ऑनलाइन में फ़ोन बुकिंग करने में उतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, ऑफलाइन में जाके खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये ऑफलाइन मार्केट के लिए फ़ोन तो है। और ज़्यादा आप लोग को फीचर्स नहीं चाहिए, ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहते हैं, आप लोग बेसिक काम करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन के लिए इससे बेहतर फ़ोन आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि मैं कुछ सजेशन दे भी दिया हूँ और कुछ सजेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, तो उस सबको आप लोग परचेस कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ये स्मार्टफोन तो कैसे मुझे फ्री में मिला है। ये स्मार्टफोन तो मुझे फ्री में मिला है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन बहुत सारा कॉन्टेस्ट सब चलाता रहता है ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे आदि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आप लोग लकी ड्रॉ में विनर बनते हैं तो आप लोग को स्मार्टफोन मिलेगा।
तो स्मार्टफोन और अमेजोन वाउचर बहुत सारा प्राइजेस रहता है, जो भी आप जीतते हैं वो मिलेगा। स्पेशली जब अमेजोन का सेल सब आता है तो उस समय में बहुत सारा कॉन्टेस्ट सब चलता रहता है, डेली ही कॉन्टेस्ट चलता है, उस समय में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं जिस कॉन्टेस्ट से ये वाला फोन तो जीता हूँ उसका नाम था Amazon स्पेशल Oppo A15s, जो कि मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और मैं विनर लिस्ट का जो पोस्ट जो था उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और मैं जो पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर जो मैं क्विज का आंसर दिया था वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और मेरा जो ट्विटर हैंडल था जिससे मैं विनर बना हूँ वो है @JacksonKrishna, ये मेरा ट्विटर हैंडल है जिससे मैं पार्टिसिपेट किया था और मेरे को ये वाला स्मार्टफोन मिल गया है। तो यदि आप लोग को भी ऐसे स्मार्टफोन या डिफरेंट प्राइजेस वगैरह जितना है तो सेल के टाइम में आप लोग अमेजोन का जो ट्विटर पेज है उस पर आप लोग जाके डिफरेंट जो क्विज कॉन्टेस्ट सब चलते रहता है, सिंपल सिंपल कभी आंसर देना रहता है, कभी कभी प्राइस गेस करना रहता है, कभी कभी आप लोग को क्या होता है न्यूज़पेपर में जो एड आया है उसका सेल्फी लेके अपलोड करना चाहता है, इस टाइप का आप लोग छोटा छोटा टास्क रहता है उसको आप लोग परफॉर्म करके यदि आप लोग लकी ड्रॉ में क्विज में जीतते हैं कुछ वो वाला प्राइस आप लोग के घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। उसी सब क्विज में पार्टिसिपेट करके मैं ये स्मार्टफोन तो फ्री में ले लिया हूँ, आप लोग भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि आप लोग कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि साउंड से मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर शो में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके, तब तक के लिए याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।